कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, फर्स्ट टाइम अपाचे RR 310 BTO उन्होंने बुक किया है, बाइक की डिलीवरी है। और एक बार मैं देख रहा था कि सुपर वाइड है ना, हाँ सुपर वाइड ही है। सो काफ़ी दिनों के बाद तो नहीं मिलना होगा का, ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना काफ़ी दिनों के बाद। लेकिन आज स्पेशल व्लॉग है, स्पेशल इसीलिए क्योंकि आज कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, फर्स्ट टाइम आर्स भाई है, गुजरात के एडमिन AOG अपाचे RR 310 BTO उन्होंने बुक किया है, बुक किया था दिवाली पे, और आज जाके उनके बाइक की डिलीवरी है। अभी डिलीवरी है 4 बजे तक का मुहूर्त है, तो उससे पहले पहुंचना है, 3 बजे मिलना है। काफ़ी सारे लोग आएंगे, जो राइडर ग्रुप है हमारा TVS का, वो ऋषभ को मिलना होगा, पांडा, जितनी बार उसको मिलके व्लॉग बनाने का प्लान करता हूँ ना उतना बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ होता है। मैं आगे जाके बताता हूँ आपको क्या होता है, अभी पहले ये गांधीनगर से बाहर निकल लूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मतलब जुलाई में ना, मेंडिंग माउंट आबू गए थे हम लोग। मतलब अगले ही दिन मुझे पता चला कि मेरे GoPro के जो माइक है, माइक का, उसको TRS में कन्वर्ट के लिए करने के लिए एक कन्वर्टर आता है, जो नॉर्मल माइक में एक अटैच करके फिर GoPro के एडाप्टर में भराना होता है, वो पिन टूट गई अगले दिन। और अगले दिन रात को 10 बजे पता चला, जब सुबह 7 बजे तो निकलना था घर से, तो ऑब्वियसली मंगवा नहीं सकते, तो उस टाइम कुछ व्लॉग नहीं बना 2 दिन का, ये हुआ। उसके बाद वो उसका गुजरात में आना जाना बहुत होता नहीं है, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए गुजरात में आता है तो मिलता है। फिर क्या हुआ, थोड़े 2-3 दिन पहले जहाँ जा रहे थे हम लोग उसको मिलने के लिए, वो हेलमेट द राइडर शॉप है अहमदाबाद में, वहाँ जाना था, और वो काफ़ी टाइम के बाद आया था तो उसको मिलना भी था, तो उतर गया। तो उतर का क्या सीन हुआ, वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि जो माइक है वो मैंने इंसर्ट तो किया ही नहीं GoPro में। मतलब शूट सब कुछ हुआ, यहाँ से अहमदाबाद पहुँचा तब तक का शूट किया, लेकिन भूल ही गया माइक डालने को, तो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बोलो क्या है, बोलो, ऐसा सब होता रहता है। और आज मतलब पहली बार शर्ट में देखोगे मेरे को, क्योंकि जितनी राइड की ओवर राइडिंग गेस के साथ ही की है, तो पता नहीं कब 48 भी क्रॉस कर दिया, पता भी नहीं चला। साला इंटरकॉम में गाना बजता है ना तो यही होता है, कब रास्ता ख़त्म हो जाता पता भी नहीं चलता, और व्लॉग करना भी भूल ही जाता हूँ। वाओ, पता नहीं सन सामने है तो GoPro की क्वालिटी का वैसे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, इट्स वर्थ बाइंग GoPro। आई एम लकी दैट आई हैव GoPro हीरो 10 ब्लैक, अभी तो 11 भी आ गया तो इसका प्राइस भी थोड़ा कम हो गया है। और ये सामने वाला एक बार रेडी हो जाए ना तो सीधा, मतलब और 5-10 मिनट और ज़्यादा बचा देगा, क्योंकि ये छोटा रास्ता थोड़ा स्पीड कम करवा देती है, तो थोड़ी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कई बार शाम के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 4-lane road, आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड 4-lane और 8-lane, अगर किसी को मालूम हो तो मेरे को बताओ कमेंट में। Zydus डेडिकेट टू लाइफ, इट्स कॉर्पोरेट बिल्डिंग नॉट इन हॉस्पिटल, एवरेज निर्मा, आई हैव टू सी स्पीड लिमिट्स शो आई डोंट ओवर स्पीड, या दिस इज निर्मा यूनिवर्सिटी। ये ब्रिज मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों पता है, गोता से चले गए, पूरा लंबा 2-3 किलोमीटर शायद होगा, पता नहीं कितना ट्रैफिक इतना कम हो जाए ना इसकी वजह से। ये हाईवे पे, मतलब 1-2 साल पहले की बात है, तब इस हाईवे पे रात को रिटर्न घर जाने के टाइम जो ऋषभ है ना, हाँ उसी को मिलने आया था, और रिटर्न वापस घर जाने के टाइम यहाँ पे मेरी सबसे हाईएस्ट, मतलब सखाराम की स्पीड थी, कितनी थी वो मैं नहीं बोल सकता,
बट हाँ उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटा भी सही, स्पीड लिमिट थी बट स्पीड गन नहीं थी। लेकिन अब तो हाँ सावधानी से चलाइएगा, 70-80 के ज़्यादा स्पीड क्रॉस मत कीजिएगा। पता चला एक दो तीन ब्लॉग में मैं खुद 80 के ऊपर के स्पीड पे ये लेके जा रहा हूँ इसी हाईवे पे, बाद में कोई कमेंट करेगा, मुड़ना है। लेकिन ये सारे हर जगह पे ऐसे ही रुक जाते हैं, लेफ्ट साइड के लिए जाने के लिए जगह ही नहीं रखते। एंड दिस इज आर वेरी ऑन इसरो ऑन राइट साइड। यहाँ पे एक्चुअली सेंसर्स और जो कैमरा लगते हैं सैटेलाइट में वो मैन्युफैक्चर यहाँ पे होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैव रीच शिवरंजनी क्रॉस रोड। HRS अपना यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर, हेलमेट डी राइडर शॉप। और मैंने आ वो खड़ा रहा मोटू। भाई ऑफिस से आया हूँ ना, कई बजे आ गया तू? साले फाइनली तू शायद आ गया GoPro में। फाइनली तू व्लॉग में आएगा अब, ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी पहुँच गए। और ये रही बाइक, वाह। फोटो खींचू क्या? कवर निकल के खींच के फोटो सेंड कर देते हैं ना भाई। मतलब हम दोनों ही आए क्या अभी तक? कितने बजे? 2:45 बजा है अभी तो। सॉरी अर्श भाई, सॉरी। कैसा है भाई? बढ़िया। कितने टाइम के बाद मिले? नहीं बढ़िया, मैं अभी कंडी से हूं। ओ ब्रो, राइड में चप्पल में आता है? हां चप्पल में आता है, चलो राइड में। अरे हां वो गांधीनगर मीटअप में क्या राइड में यार, वही करो। तू आडलो नजीक ना रख। कैसा लग रहा है? तमने पूछो जो मु एटीट्यूड दिखाड़ी जाते 310 लोग सोने तू डिलीवरी ले ली, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया और सब लोग को काफ़ी टाइम के बाद मिले। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, शायद 2-3 महीने हो गए, तो मज़ा आया। फिर रिटर्न हो रहे, घर जा रहे गोता अहमदाबाद। और ये ब्रिज के नीचे गोता का सबसे फेमस अंबिका दाल वड़ा, हाँ ये लाल बिल्डिंग दिख रही है ना उसके नीचे, होटल पसंद के नीचे, बहुत पुराना और बहुत मतलब फेमस है दाल वड़ा। पहले मैं जब छोटा था ना तब इसका नाम सुना था ना, तो तब मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे ये मतलब ये जगह का नाम गोटा गोटा, मतलब भजी को गुजराती में गोटा बोलते हैं, तो शायद मुझे लगा कि ये जगह का नाम उस दाल वड़ा के वजह से है, गोटा गोटा इस जगह का नाम। पहले मैं यही सोच रहा था जब छोटा था तब। रास्ता मिला है? नहीं, अंडर स्पीड, डोंट डू ओवर स्पीडिंग, पहले रास्ता खाली हो।
या 75 इनफ। अपना वही रास्ता फाइनली घर आ गए। या अब तो पता नहीं नेक्स्ट कौन सा व्लॉग शूट होगा, कब होगा, कैसा होगा, पर या मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कैच यू लेटर। या बाय।